अखिलेश के नाम पे उनके साइकिल पे क्या है जे लड़े कौनो बिरादरी सब साइकिल दे हो क्यों लड़े कौनो नेता हो कौनो बिरादरी हो यहाँ जात का बंधन नहीं है हम याद हो अखिलेश की दीप हम कहा कोई नहीं वाद जब कहीं भागेगा सब साइकिल पे देंगे वोट है सब साइकिल कोई क्या क्या विश्वास किसका है कहा है ना विश्वास मैं नहीं मानता इस बात को मैं इस बात को नहीं मानता पूछा लो आप साइकिल पे दोगे अखिलेश जितना काम करें आज तक क्यों मुख्यमंत्री कर बैना कर जितनी सुविधा आज तक का रिकॉर्ड कहा दादा कैसी लगी योगी जी की सरकार आपको है योगी मुख्यमंत्री है अच्छा कैसा लगा इनका काम काज हमरे अभी कुछ समझ ना आया बा समझिए ना आया बा अरे तो 5 साल हो गए आपको समझ में आ गया वोट का टाइम आ गया आपको अभी है 2-4 दिन में ऑटो का टाइम आप समझ आ जाएगी अच्छा अच्छा वोट के टाइम पे समझ आ जाएगा अच्छा कब से जूता पॉलिश करते हैं आप यहाँ जूता तो सिलते हैं कब से अरे मान लो ये 2-3 महीना अच्छा 2-3 महीना से हाँ सरकार योगी जी की है कैसी है सरकार ये अब भैया भूखन मरत है कौन बताइए राशन वोशन तो मिल रहा है अरे 5 किलो में साल चढ़ थोड़ा चली हाँ 5 किलो में 1 महीना चली यह बताओ हमें एक अच्छा, अच्छा, जब राशन नहीं मिलता था तब कैसे चलता था लोगों का जब राशन मिलता ही नहीं था तब कैसे लोगों का चलता था? जैसे चलता था वैसे चलता था तो अब तो राशन भी मिल रहा तो उससे अच्छा होना क्या होने वाला है हाँ 5 किलो में कुछ होने वाला नहीं था मतलब जब नहीं मिलता था तब ठीक था अब 5 किलो मिल रहा है तो 5 किलो में नहीं चल रहा है तब ठीक हाँ तब ठीक था अब राशन मिल रहा नहीं ठीक है नहीं राशन नहीं चाहिए नहीं तो मुख्यमंत्री बना रहे योगी को या बदलेंगे है योगी को मुख्यमंत्री बना रहे या बदलेंगे तो समय बताएगा समय बताएगा आप नहीं बताएंगे हम नहीं बता सकते ऐसे यहाँ पे हमें कुछ लोग ये देख लीजिए ये ताश पत्ती है इसके बारे में तो हम कुछ जानते नहीं लेकिन ये देख लीजिए पत्ती खेल रहे हैं लोग यहाँ पे कुछ लोग मौजूद हैं इनसे हम बात करेंगे मौजूदा सरकार के बारे में कि आखिर योगी जी की सरकार इन लोगों को कैसी लगी क्योंकि आगे अब चुनाव है क्या इरादा बन रहा है लोगों का जय जाजा जी कैसी लगी योगी जी की योगी सरकार सही नहीं लगी कौन सा काम इनका सही नहीं लगा जैसे गाय बछवा छोड़ा है हमारे गेहूँ धान खाई है हमार पूरा खत्म हो गए भूसा खत्म हो गए लोग गरीब खाए बिना मरे लागन 75 जिला में सब किसान हैं सबके गेहूँ धान होते न तो गेहूँ धान गाय गया बछुआ साँड खाई है तो मन छोड़ दे हस तो गरीबी आई किसान लोग ने छोड़े हैं जानवर जब मान नान गैया बछुआ बिके तो हम जब भूसा पूजा ना रहिए तो भगाए दे दूध ना दे रही का करबे गरीब अपना खाई के गोरू बछवा किया पूजा भूसा खरीदी तो बदल देंगे आपकी सरकार बिल्कुल अखिलेश आएंगे आपकी 100% अखिलेश हाँ अच्छा मायावती के बारे में मायावती ना है लड़ाई में ना है ना है अच्छा आप बताओ किसको मुख्यमंत्री बनाएंगे अखिलेश को नाम क्या है आपका पन्ना लाल आप दादा बताओ क्या बताऊँ अब तक की सबसे बेहतर सरकार रुकी है मेरी बात सुनिए आपकी सबसे बेहतर सरकार अब तक की किसकी जहां देना होता है तहां दे देता हूं ना कोई सरकार के मैं अखिलेश के मैं मायावती और जब गन्ना मुझे ही ला देना सब कुछ काम मुझे करना किसी को बताऊं देना हो देगा नहीं ना दे देना नहीं देंगे अच्छा सरकार योगी जी की कैसी लगी आपको योगी जी की सरकार जो चला रहे हैं वो जो अच्छे चला रहे हैं जो अच्छा बुरा तो ही चला रहे हैं इसके पहले अखिलेश की सरकार थी वो कैसी थी वो भी ठीक थी वो भी ठीक अखिलेश जितना काम करें आज तक क्यों मुख्यमंत्री कर बैना कर जितनी सुविधा आज तक का रिकॉर्ड उत्तर दीजिए उनका 2-4 काम बता जैसे 100 नंबर चलाएं और फिर तुम्हारे एम्बुलेंस चलवाएं हर सुविधा दिए कन्याधन विद्याधन पेंशन वृद्धा पेंशन और छात्रवृत्ति हर चीज दिया अखिलेश शादी में दिया अखिलेश सरकार आज तक के ओशन मुख्यमंत्री काम ना करे सब तो चल भी रहा तो बंद तो थोड़ी ना हो गया 5 साल में आज तक का रिकॉर्ड कोई मुख्यमंत्री किया नहीं वैसा जो अखिलेश ने कर दिया हाँ अखिलेश यादव कैसा कोई काम नहीं किया ये बात नहीं है ना काम ना करे बस कश्मीर वाला काम हुआ और अयोध्या का काम मुद्दा खत्म हुआ ये बात नहीं है तो सरकार कम काम नहीं किया है अब रामलला के ऊपर आई थी ने हिंदू कार्ड खेला था ना भाजपा तब आई दिल्ली और लखनऊ में अब की अखिलेश हर जिला में जीती है 75ों में आजमगढ़ में 100 सीट जीती सपा गठबंधन यह नाम है ये 100 सपा लड़त में हाँ पूरे 75 जिला में हर किसान है हमारे गाय बछवा हमारे गेहूँ धान खाई है तो किसान के समझा ना पाई भाजपा न भाजपा के नेता जनता आपकी साइकिल अब दे चाहे वो कौनों बिरादरी हो हरजन तक दे है सब बिरादरी दे है यादव दे है कोई रही आई जितने लोग हैं मुस्लिम टोटल आवत हैं साइकिल पे बटी ना वोट आपका क्या नाम है हमार सत्येंद्र यादव का दादा क्या कर रहे हैं क्या कर रहे हैं हम कहा कोई नहीं वाद जब कहीं भागेगा सब साइकिल पे देंगे वोट है सब साइकिल कोई क्या क्या विश्वास किसका है कहा है ना विश्वास मैं नहीं मानता इस बात को मैं इस बात को नहीं मानता पूछा लो आप साइकिल पे दोगे
हाँ भैया हम तो साइकिल देंगे, आप बताओ देंगे साइकिल भी देंगे। हाँ देंगे भैया साइकिल भी देंगे। खड़ा प्रयास करता था विरोधी है, विरोधी है कहीं का विरोधी, विरोधी हमारे सगे चाचा है, हमारे खिलाफ हो रहते हैं। आपके सगे चाचा है, चाचा के साथ आप बैठ कर पत्ती खेल रहे हैं, ताश खेलते हैं, युवा नहीं होता है शादी पत्ती टाइम पास, इसलिए वो हमारा विरोध कर रहे हैं। अच्छा। यहाँ टोटल साइकिल पर की कौनो बिरादरी हूँ, केहू पूछ ले क्यों साइकिल नहीं दे बोला, केहू पूछ ले क्यों साइकिल का नवा का है, केहू पूछा अच्छा कोई कहा भाई देखो एक बार सुनो, हमारे कहने हम किसी से पूछते भी नहीं, आप कहाँ देंगे कहाँ नहीं देंगे, हम अपने काम से काम रहते हैं और जो कान आगे जहाँ जिसको देना उसको दे देते हैं। लेकिन भतीजे का विरोध करते हैं, विरोध विरोध तो हमेशा भेजती, जो हमारे के भाई हमारा तो ही पटेदार तो ही है। हाँ। विरोध तो यहाँ हुआ था, रामबचन यादव विधायक थे यहाँ, उनके भतीजे दल सिंह यादव वो कांग्रेस में थे, रामबचन चाचा जो है विधायक होते थे तो उनके विरोध में बोलते थे यही चाचा हमारे, उसमें जाता है कोई कहीं लड़ता है नेता लोग कहना एक एक जगह रहते हैं, कहे कूदते हैं मनोमन है बोलिए सही सही करे। हाँ। तो यही बात है, इसमें धाक कूद के वो उसमें भागते हैं, वो उसमें भागते हैं, तो अपना सब साइकिल ना लेके दूसरा ले बताओ क्यों पूछा भाई साहब बोलो कहे इसलिए किसी से कोई साइकिल का लाओ खेलो हम के विरोध दबाओ ना कोई तो नहीं कह रहा, पूछिए किसी से और क्या पूछा बोलो बोलो किस पे, अरे साइकिल पे दिया जाएगा और क्या, आप बताओ साइकिल पे, आप बताओ साइकिल पे भैया क्या नाम आपका, सत्य प्रकाश विश्वकर्मा, सत्य प्रकाश विश्वकर्मा, अच्छा अच्छा भाई साहब साइकिल वाले हैं हम लोग, साइकिल वाले हैं जी, सबसे हम यहाँ समर्थन है और हम लोग बीजेपी समर्थक नहीं है। अच्छा अच्छा हाँ। यहाँ पे पिछले विधानसभा चुनाव में सुखदेव राजभर जी थे वो बसपा से यहाँ से जीते थे जी जी जी, उनका लड़का तो उनके पुत्र लड़ रहे हैं कमलाकांत राजभर जी, वो समाजवादी पार्टी से। हाँ तो उसी में क्या है, हम लोग सपा ही हैं, सपा सपा को वोट देंगे, मतलब प्रत्याशी कोई भी हो आप सपा को ही देंगे एकदम बिल्कुल यही बात है। हाँ। पिछली बार किसको वोट दिए सपा, क्या बोले क्या कह रहे हैं, अखिलेश के नाम पे उनके साइकिल पे चाहे जो लड़े कौनो बिरादरी सब साइकिल दे वोट, क्यों लड़े कौनो नेता हो कौनो बिरादरी हो, यहाँ जात का बंधन नहीं है, हम यादव अखिलेश के दीप यहाँ सब साइकिल पे दे, मतलब आपको विधायक कौन बन रहा है कोई मतलब नहीं, हम बना विधायक मतलब अखिलेश को देखना, मंत्री बनाना फिर अखिलेश को बनाना है दिल्ली लखनऊ में, लखनऊ पूरा इरादा बना लिया पूरा है और सबको बनवा रहे हैं बता रहे तो पूछ लेना, अब हम नहीं कह रहे हैं किसी से। हाँ। तो आप किसी से पूछिए। हाँ। सब उत्तर वही देंगे, चाचा आपके चाचा हमारे हैं सगे हैं तो भाई विरोध होते। हाँ। जैसे चाचा शिवपाल चले गए थे भाई। हाँ। हमारे फिर आ गए साइकिल पे वो भी लड़ रहे हैं हमारे ही निशान भी, गठबंधन करेंगे आपसे, गठबंधन नहीं अखिलेश यादव शिवपाल यादव भी आपके साइकिल निशान पे लड़ रहे हैं जसवंत नगर से, अब लड़ रहे हैं। हाँ एक बार भाग गए थे छोड़ तो भाग गए थे थोड़ा भाइयों कोई विरोध होता चाचा जी आपके गठबंधन मना लेंगे हम आखिरी दिन इनको भी मना साइकिल अब देंगे। अच्छा अच्छा मान लेंगे भाई हम किसी की बात नहीं मानते, देंगे देंगे साइकिल मना ले चाचा गोड़ धैले गोड़ धैले कि भैया साइकिल पे कोर्ट का है गोड़ धरे से मान जाइए। हाँ हो भैया पूजा का बोलते चाचा मान जाएंगे। हाँ मना लेंगे मना लेंगे साहब चलो, लेकिन शिवपाल तो 5 साल में माने ही मान जाएंगे कह रहे हैं, ये दिन में दस दिन में मानी है, दस दिन में वो तो 5 साल चाचा कह रहे हैं देख लीजिए मान जाएंगे। हाँ। नहीं मानते भाई किसी का, हम अपना मानते हैं। भाजपा जो है इतना इतना माफियों को लड़ा हुआ है, 99 अपराधी है भाजपा में उत्तर प्रदेश में जो लड़ रहे हैं, सबसे ज्यादा क्रिमिनल दागी धनंजय सिंह है, राजा भैया है, तमाम लोग उसके दागी लड़ रहे हैं, उसका नाम कोई मीडिया नहीं ले रही। सपा के एक ठे क्यों लड़त भाई तो वो कही अरे सपा में गुलशन यादव लड़ रहा है राजा भैया खिलाफ तमाम, लेकिन भाजपा में 99 अपराधी लड़ रहे हैं उत्तर प्रदेश जो माने जाने माफिया, उस पर कोई मीडिया भी नहीं बोल रही है, नाम नहीं ले रही, लेकिन जितना बढ़िया के लिए लड़ रहे हैं उतना बढ़िया क्यों ना उनका जो हवा है। चलिए ठीक है, शिवपाल जी तो 5 साल में गठबंधन किए थे, लेकिन ये चाचा और भतीजा देखिए अब की बार इनका गठबंधन हो पाएगा कि नहीं, नहीं होगा, और ये हमारा चुनावी शाहपुर में चल रहा है, होगा कि अब शाहपुर के लोग किसको मुख्यमंत्री बनाएंगे। दोस्तों हमारा वीडियो देखकर कमेंट में आप अपनी भी राय दें, और हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद, फिर मिलेंगे जी।